हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। सो गेस व्हाट, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे और जिसका नाम है मॉस्को। सो ये रहा हमारा प्यारा सा राजकोट। इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं होता है, पर जाना ज़रूर पड़ता है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ रशिया में, सारांस्क में, और मॉस्को रशिया का कैपिटल है। तो मेरी फ्लाइट ऑलवेज वहीं लैंड होती है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके थोड़ा ट्रिप मार दिया जाए। तो सबसे पहले मैं अपना बोरिंग फ्लाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे अपना फेस स्किन केयर शुरू करने लगती हूँ, क्योंकि बहुत पैकिंग के चक्कर में स्किन बहुत डल हो गई थी और मैं फिर ट्रिप भी मारने वाली थी, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर तो बनता ही बनता है, वरना फिर वहाँ जाके पता नहीं मैं क्या ही बन जाऊँ। पर हाँ, अभी तो मैं भूत बनने ही वाली हूँ। दिस इज़ द बाम्बू स्लिप मास्क विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम द पर्पल ऐप। आई शेयर यू लिंक। ये है मॉइस्चराइज़र के लिए, क्योंकि मेरी स्किन मोस्टली ड्राई हो जाती है, तो मैं ऑलवेज मॉइस्चराइजिंग मास्क यूज़ करती हूँ। बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई अनदर मास्क यू कैन। गुड वाइब्स वॉज ऑलवेज रॉक फॉर द स्किन। सो या, मास्क अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेस के साथ साथ लिप को भी हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आई यूज़ निविया लिप बाम एंड निविया इज़ द बेस्ट कंपनी, आई लव दैट वन। अभी हम यूज़ कर रहे हैं विटामिन सी का क्रीम जो है मामा अर्थ का। मुझे ये गिफ्ट मिला था एंड आई विल नॉट प्रमोट एनीथिंग हियर बिकॉज इट्स माय ट्रिप ब्लॉग, नॉट प्रमोशनल ब्लॉग, बट फॉर मी आई नीड टू शेयर एवरी सिंगल थिंग ऑफ माय रूटीन लाइफ केयर विथ यू। सो या, दैट्स व्हाई आई शेयर एवरीथिंग। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली से मेरी सेकेंड फ्लाइट है मॉस्को की। सो हियर वी आर इन दिल्ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन दिल्ली। दिस लुक्स सो अमेजिंग लाइक अ स्टार। मैं आसमान में हूँ पर अब मुझे ज़मीन पे तारे नज़र आ रहे हैं, तो मैं आ गई ज़मीन पे। तो हाँ, अब हम जा रहे हैं यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी सेकेंड फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। सो लेट्स गो एंड चेंज। सो आई चेंज माई क्लोथ बिकॉज मैं कुर्ती पहन के तो जा नहीं सकती हूँ, सब मुझे देखेंगे घूरेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो या, लेट्स गो। मुझे यहाँ पूरी रात वेट करना था, तो मेरा एक ही सहारा था रात जागने का, वो है मेरा कॉफ़ी। एंड अगर कॉफ़ी हो और वहाँ स्टारबक्स हो तो कहीं और देखने का मन ही नहीं होता है। सो यस, आई ऑर्डर्ड स्टारबक्स कॉफ़ी। दिस वॉज सच अ डिलीशियस। बस इसमें चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा मैंने डलवा दिया था गलती से, मुझे लगा फीकी होगी तो, पर फाइन। अभी मेरे दोस्त भी आ चुके हैं तो मेरी रात बहुत अच्छे से कटेगी, बातें बातें होगी। तो सी यू इन द फ्लाइट ओनली। यहाँ का माहौल देख लो, इट्स इंटरनेशनल। यस गाइस, आई एम इन फ्लाइट। और इफ़ यू वॉन्ट टू गो रशिया तो प्लीज़ एरोफ्लोट ही लेना, क्योंकि यहाँ का खाना और मतलब ये नॉन स्टॉप फ्लाइट हैं, डायरेक्ट पहुँचाती है एंड दैट्स सो डिलीशियस। सो फाइनली आई रीच्ड मॉस्को एंड आई टुक अ कैब फॉर माय होटल। सो मैं पूरी दोपहर आराम करने के बाद ही शाम में बाहर जाने वाली हूँ नाइट लाइफ के लिए। सो ये रहा हमारा फर्स्ट बाइक। बाइक मीन्स अ गुड साइन। यहाँ पे बाइक बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लक्की लोगों को देखने को मिलते हैं, तो यस आई नो आई एम लक्की। सो सी द बिल्डिंग्स विच वो सो ब्यूटीफुल। यहाँ की मोस्टली बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, बस इन्होंने उसे मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे बाइक्स इसीलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, इनके पास बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्नो पड़ती है तो बाइक्स नहीं चल सकती है स्नो में। सो आई फाइनली फाउंड अ ब्यूटीफुल कैफ़े हियर एंड आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। सो ठीक है, खाना खाने के बाद लेट्स गो टू द होटल अगेन एंड सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम आ चुके हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दैट्स नथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ की टैक्सी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। सो
मैंने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही सबसे ज़्यादा इजी होगा. सो अभी हम जा रहे हैं द फेमस सेंटर ऑफ मॉस्को विच इज़ कॉल्ड रेड स्क्वायर. यस, जो बहुत सारी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया के भी और मे बी रशिया की भी. आप रशियन मूवी देखते हैं तो ये रही उनकी स्ट्रीट जहाँ से हम पहुँचेंगे. पर वहाँ पहुँचने से पहले मैंने इतना सुंदर कैफे देखा, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. तो मैं यहाँ पहुँच गई एंड आई ऑर्डर्ड मोचा लाटे हियर बिकॉज यहाँ पे रेन हो रही थी और रेन कॉफी और इतना सुंदर कैफे वॉज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी. सो हियर एम आई, इट्स माई टूरिस्ट लुक. और ये रहा कैफे जो प्रिटी कूल था, मेरी वाइब से बहुत मैच कर रहा था. तो या फाइनली मस्त कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मैंने थोड़ा डांस देखा तो मैं वहाँ चली गई. ये कैसे मॉस्को, यहाँ पे कहीं भी डांस होता है, कहीं भी कुछ होता है. तो ये जो पूरा मॉल है वो है गम मॉल, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल जहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल सकती है. सारी मतलब सारी ब्रांड, जो ब्रांड्स के आपको नाम आते होंगे वो तो मिलेंगे ही, जो आपको नहीं भी आते होंगे वो ब्रांड्स भी मिलेगी. जैसे कि सारा हो गया, एप्पल भी हो गया, सब कुछ है. देखो ना मैक्सन का यहाँ पे, बस थोड़ा ये दिक्कत है कि वो के बाद थोड़े नाम चेंज हो गए. तो दिस इज़ द फाउंटेन, दिस इज़ वाटरमेलन फाउंटेन, जो देखने के लिए मैं स्पेशली गम मॉल में आई हूँ. आई रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फाउंटेन इन अवर इंडिया टू. आई थिंक स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा चलेगा क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है. तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, जिनको इन्होंने मॉल में कन्वर्ट कर दिया है. पर ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, कहीं कॉन्सर्ट, कहीं ड्रामा, कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है. तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स ही थी सिर्फ, तो मैं तो इतना बजट के बाहर नहीं जा सकती थी. तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मॉल घूम नहीं लेते, बस फिर हम तुरंत जाते हैं रेड स्क्वायर. दिस इज़ मॉल रेड स्क्वायर, जो रेड है वो रेड स्क्वायर है. ये पूरा गम मॉल है और सामने ही चर्च है. दिस इज़ द चर्च हियर और ये वाला रेड स्क्वायर है जिसमें हमें क्लॉक दिख रही है. तो रेड स्क्वायर देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कोई चिल्ड्रन सेक्शन था, वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि दिल से तो अभी मैं छोटी बच्ची हूँ साहेब. तो यहाँ जाते मेरा पोपट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई राइड ऑन नहीं थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी. बहुत तो नहीं, लिटिल लिटिल बिट, पर हाँ नहीं कोई राइड शुरू थी. तो मैं थोड़ा घूमी, मैंने थोड़ा बबल टी लिया, सबकी तरह थोड़ा शो ऑफ किया. फिर मैं तुरंत चली गई हूँ बिजनेस की जगह देखने. यहाँ का बिजनेस क्लास, ये है यहाँ का बिजनेस क्लास. कैन यू सी द बिल्डिंग्स हियर? ये मैंने देखी थी पठान मूवी में, आई रिमेंबर दिस थिंग. सो लेट्स गो नाउ. बहुत घूम लिया, अब हम जा रहे हैं सारांश क्योंकि मेरी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम इन रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन इतना सुंदर है तो ऑब्वियसली मॉस्को तो सुंदर होगा ही होगा. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा हो लगा होगा. और यहाँ पे आने वाली है हिंदी मूवी तो मैंने आपको उसके रुटाई दिखा दी. सो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं जल्द.